Hey, what's up guys? This is Abhishek. आज के वीडियो में बात करेंगे Realme 8 5G के बारे में. जी हाँ, सलमान बॉय इस बार वापस से लॉन्च कर रहे हैं Realme 8 5G को. यहाँ पे 8 Pro अभी थोड़े दिन पहले आया, बट वो यहाँ पे 4G वेरिएंट था. यहाँ पे Realme 8 का 5G वेरिएंट होने वाला है इंडिया में लॉन्च. उससे पहले बता दूँ फ्रेंड्स, पोको M3 Pro 5G भी इंडिया में आ रहा है. उसके ऊपर वीडियो नहीं देखा तो आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर से उस वीडियो को भी देख लो आप लोग. और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 8 5G के बारे में. इंडिया में हो रहा है लॉन्च 22nd of April को. यहाँ पे क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, इस वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को. तो वीडियो को एंड देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. जैसे बताया फ्रेंड्स, Realme 8 5G इंडिया में आ रहा है 22nd of April को. यहाँ पे क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाले वो बताऊंगा यहाँ पे. सबसे पहले बता दूँ, 8 Pro में सबसे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन था कि शायद 8 Pro जो रहेगा वो 5G वेरिएंट रहेगा और 8 रहेगा 4G वेरिएंट. बट यहाँ पे मतलब फटा पोस्टर निकला, हीरो नहीं निकला, निकला फुस्की बम निकला था. दोनों ही 4G वेरिएंट आया था. एक्सपेक्टेशन लोगों का था कि 5G रहेगा एक तो एक, बट नहीं. अब यहाँ पे आ रहा है Realme 8 5G यहाँ पे. अब सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे, ये जो सेगमेंट है या फिर ये जो स्मार्टफोन रहने वाला है Realme 8 5G, ये एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन रहने वाला है. 20,000 रुपये के अंदर ही, मेरे हिसाब से 16,000 से 17,000 रुपये के प्राइसिंग में ये होने वाला है लॉन्च यहाँ पे इंडिया में. अब डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंचेस फुल HD यहाँ पे IPS पैनल स्क्रीन देखने को मिलेगा. AMOLED स्क्रीन आप लोगों को इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 Pro में AMOLED देखने को मिलता है. तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है भैया, क्योंकि सब चीज़ सेम ला देंगे तो 8 Pro कौन लेगा. 8 Pro वाले भी तो लेने वाले चाहिए हमको. इसके लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है IPS LCD पैनल, 6.5 इंचेस पंच होल यहाँ पे. और जो बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स पैनल है, गोरिल्ला ग्लास के प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलेगा आप लोगों को. तो डिस्प्ले ठीक है, अच्छा खासा देखने को मिलेगा. एक अच्छा खासा पंच होल वाला 6.5 इंचेस फुल HD पैनल दिया गया, और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट. तो ये अच्छा है कि रिफ्रेश रेट अब स्मार्टफोन कंपनी ज़्यादा ध्यान दे रही है. रिफ्रेश रेट से क्या, थोड़ा सा फोन का परफॉर्मेंस और अच्छा हमको बेटर साइड पे लगता है. यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो. यहाँ पे आगे बात करूँ प्रोसेसर की, तो फेमस प्रोसेसर अभी थोड़े दिन के बाद होने वाला है स्नैपड्रैगन का डायमेंसिटी 700 सीरीज. ये मैं बता रहा हूँ, अब ये बहुत बिकने वाला है 700 का डायमेंसिटी, बिकॉज ये बजट कैटेगरी में आता है. 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, 2.2 GHz पे क्लॉक किया गया. और जो GPU है इसमें मालिका G57 का GPU देखने को मिलेगा. तो ग्राफिक परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छा खासा ही देखने को मिलने वाला है इसके अंदर. यहाँ पे ओवरऑल स्नैपड्रैगन का जो डायमेंसिटी 700 सीरीज़ है वो एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बनाया गया. तो आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, बैटरी एफिशिएंट बोल सकते हैं यहाँ पे. और साथ ही में रैम और रोम की बात करूँ तो 8/128 निकल के आया है यहाँ पे. तो ये एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे रैम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और रोम भी 128GB का आप लोगों को इसमें बहुत ही अच्छा खासा स्टोरेज देखने को मिल रहा है. बाकी एंड्रॉइड 11 रियलमी का UI 2.0 पे आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है. बात करूँ बैटरी की तो कैमरा की तो कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ 48+2+2 जिस तरीके से पोको M3 Pro में देखने को मिलेगा, उसी तरीके से इसमें भी ट्रिपल ही कैमरा, 2 मेगापिक्सल बैक और 2 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा. बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 5000mAh विद 18W का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग अडैप्टर. अब देखो ये जो स्मार्टफोन है ना फ्रेंड्स, ये पोको M3 Pro और यहाँ पे Realme 8 5G, ये बहुत ही हद तक एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं. पता नहीं क्यों, लगभग सेम ही स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं. आप कुछ ट्विक करेंगे यहाँ पे, अब ये देखने वाली बात होगी कि लोग पोको M3 Pro की तरफ जाते हैं या फिर इस Realme 8 की तरफ जाते हैं 5G वाले, क्योंकि लगभग दोनों में ही सेम प्रोसेसर, सेम तरीके का डिस्प्ले, सेम तरीके का बैटरी. हाँ, पोको M3 Pro में 22.5W का फास्ट चार्जिंग लैपटॉप देखने को मिलता है, बट यहाँ पे लगभग चीज़ें यहाँ पे सेम देखने को मिलती है पोको M3 Pro और Realme 8 5G में यहाँ पे. अब देखते हैं कौन किसको पसंद करता है. और प्राइसिंग की बात करूँ तो 16,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है, 16,000 से 17,000 रुपये. थोड़ा सा क्योंकि Realme 8 वो 15,000 रुपये के प्राइसिंग में आता है, तो यहाँ पे ये 16,000 रुपये के प्राइसिंग मुझे लगता है कि ये आने वाला है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग यहाँ पे. बाकी मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये Realme 8 5G यहाँ पे. प्रोसेसर, डिस्प्ले, देखो ओवरऑल फीचर स्पेसिफिकेशन देखा जाएगा तो अच्छा खासा डिसेंट यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलता है. बट यहाँ पे मेन आती है प्राइसिंग की बात, मेरे हिसाब से 16,000 रुपये में देखने को मिलेगा. मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यार उतना ये अट्रैक्ट कर रहा है. 8 Pro भी बहुत ही एक अच्छा स्मार्टफोन है, बाकी आएगा तो बता ही देंगे हम आप लोगों को. उसके लिए बस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ये जो लाल कलर का बटन है उसको ब्लैक कर लीजिए. यहाँ पे इस वीडियो का तो लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब. वन टेक चैनल के साथ बोल दीजिए. जय हिंद, पीस आउट.